गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट खुशबू सोनी। सो इट्स द पार्ट 8/18। तो आप श्योर कर लीजिए कि आपने पहले पार्ट 1 से 7 तक देखे हो, तो ही आप पार्ट 8 देखे। तो पार्ट 8 में हमारा क्वेश्चन है, सॉल्व द क्वेश्चन 1+4+7+10 और जो सबसे लास्ट टर्म है हमारा 80 का, वो x दे रखा है और ये दे रखा है कि इन सबको जोड़ने में मेरे पास 287 आएगा। सबसे पहले मैं देख लेती हूँ मुझे गिवन क्या क्या चीजें हैं। सबसे जो पहली टर्म होती है वो होती है हमारी a। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, या तो मैं सेकंड टर्म को फर्स्ट में से माइनस कर दूं या थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दूं। तो आप 4-1 करेंगे तो भी 3 आएगा, 7-4 करेंगे तो भी 3 आएगा। एक हमको लास्ट टर्म दे रही थी a है, जो x है मुझे नहीं पता क्या है, और एक मुझे सभी टर्म्स का सम दे रखा है, सम ऑफ n टर्म्स 287, राइट। तो अब जो दो चीजें हमें दी हुई है उसी के हेल्प से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सी हम कैसे निकालते हैं। nth टर्म मुझे x दे रखी है, nth टर्म का मैंने फॉर्मूला लगाया a प्लस एन माइनस वन डी इक्वल टू x। a की वैल्यू पुट करी, d की वैल्यू पुट करी, तो मुझे यहां से x की एक इक्वेशन निकल कर आई, x इज इक्वल टू 3n-2। ये बाद में अभी मैं देखेंगे, यहां तक छोड़ दिया। एक मुझे दे रखा है सम ऑफ n टर्म्स, तो मैं सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाऊंगी, कौन सा वाला, ये वाला। क्यों? क्योंकि मैंने बताया था कि सम ऑफ n टर्म्स का मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है और मुझे इसको सम निकालना है, तो मैं सीधा ये फॉर्मूला पुट कर सकती हूँ। मुझे वो पुट करने की जरूरत नहीं है, एन बाय टू 2a+n-1 करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है। ठीक है, तो मैंने फर्स्ट टर्म 1 है तो a की जगह 1 लिखा, लास्ट टर्म मेरा x है तो x लिखा और एज इज। अब देखिए यहां से मेरे पास x की वैल्यू आ रही 3n-2, तो वो x की वैल्यू मैं इस इक्वेशन में यहाँ पे पुट कर देती हूँ। जब मैं इसको पूरा सॉल्व करूंगी तो मैं देखूंगी 2 को उधर मल्टीप्लाई करके मेरे पास इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ रही है। अब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है वो बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे श्रीधर आचार्य मेथड से सॉल्व किया है। देखो, श्रीधर आचार्य मेथड में क्या होता है, ए बी और सी होता है। जो आपके एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होता है वो ए होता है, जो एक्स का कॉफिशियंट होता है वो बी होता है, और जो कॉन्स्टेंट होता है वो हमारा सी होता है। तो उसी तरह से हमारा ए हो गया यहाँ पे 3, बी हो गया -1, साइन के साथ लेते हैं हम लोग, और सी हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यू हो गई -5, 7, 4। श्रीधर आचार्य मेथड का फॉर्मूला होता है n=b+-b²-4ac/2a। सो पुट ऑल द वैल्यू, आफ्टर पुटिंग ऑल द वैल्यूज मैं यहां तक आ जाती हूँ। जब इसको ऐड करते हैं तो 6889 आता है। ये जो है 83 का रूट है। अगर आप 83 को 83 से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट 6889। अब देखिए यहाँ पे प्लस माइनस है, तो एक बार तो मैं प्लस करूंगी इनको और फिर सॉल्व करूंगी, और एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको माइनस कर दिया, तो मेरे पास दो वैल्यू आएगी, एक आएगी 84/6 और एक आएगी -82/6। जब मैं कट करूंगी तो एक आ गया हमारे पास 14 और एक हो गया -41/3। लेकिन मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ टर्म्स कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकते हैं, इट्स अ नेचुरल नंबर। तो ये माइनस वाली वैल्यू तो हमारी वैसे ही हम क्या कर देंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, तो n का आंसर हो जाएगा हमारा 14। तो n इज अ नेचुरल नंबर, सो इग्नोर n इज इक्वल टू -41/3। सो हम n की वैल्यू 14 पुट करेंगे कहां पे, यहां पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 14 × 3 = 42 - 2, तो x = 14। तो हमारी लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, 14। सो गाइस, आपको